एक जंगल में तरह तरह की पक्षी रहा करती थी और उस जंगल का मुखिया मही चील हुआ करता था। जब भी जंगल की पक्षी आपस में लड़ लेती, सभी मही के पास ही अपनी शिकायत ले जाते और उसका हल पूछते। मही चील भी पक्षी की समस्याओं को दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहा करता था। एक दिन मही चील ने सोचा, जंगल भर में जानकारी लेने निकलेगा कि जंगल में सब कुछ कैसे चल रहा है। यूं उस जंगल में रहने वाले पक्षी के घर छुपके से जाकर उनके घर पर क्या हो रहा है ये देख रहा था। सबसे पहले मही चील टूनी चिड़िया के घर गया। सुनिए ना, पिछले कई दिनों से बच्चे किताबें लाकर देने की जिद कर रहे हैं। हाँ ठीक है टूनी, इस हफ्ते में ज्यादा काम करने की कोशिश करूँगा। हाँ, पर इस चक्कर में अपनी सेहत का ख्याल रखना मत भूलना। इस तरह टूनी चिड़िया और उसके पति चिड़े को बात करते हुए मही चील ने सुन लिया और अपने पास रही एक नोटबुक में कुछ लिखा। फिर वहाँ से निकलकर मही चील लूसी कबूतरी के घर गया। लूसी कबूतरी अपने घर पर अपने आप ही कुछ बात कर रही थी। मैंने सोचा था कम से कम इस बार मैं अपने माँ बाबूजी के लिए कपड़े खरीदूंगी। हमेशा वही मेरे लिए कपड़े खरीदते हैं, ना जाने मैं कब खरीद पाऊंगी। मही चील ने उसकी बातें भी उसी नोटबुक में लिख ली। फिर वहाँ से निकलकर मही चील चीचू कवा के घर पहुँचा तो देखा वो अपने बच्चों को बुरी तरह से पीट रहा है। अरे चीचू, चीचू क्या कर रहे हो? इन मासूम बच्चों को मार क्यों रहे हो? मुखिया मही चील जी, आप आइए और आप ही इन्हें इनके किए की सजा दीजिए। बिना इनकी गलती को जाने भला मैं इन्हें सजा कैसे दे सकता हूँ? स्कूल से घर लौटते समय इन दोनों ने रास्ते से एप्पल चुराए हैं। क्या सच? क्या तुम जानते नहीं कि तुम्हारी इस हरकत से किसी का नुकसान हो सकता है? मही चील जी, आप भी हमारे बाबूजी की तरह सच्चाई को जाने बिना ही हमें चोर करार दोगे? तो बताओ एप्पल तुम दोनों के पास आए कहाँ से? हम जब स्कूल से घर लौट रहे थे तो रास्ते में छोटू तोता जी का एप्पल का बगीचा पड़ता है। आज उनके यहाँ मजदूर आए नहीं थे जिनसे वो सारे एप्पल ट्रक में भरवाना चाह रहे थे। उन्हें लगा कि एप्पल खराब हो जाएंगे तो हम दोनों ने उनकी मदद की, सारे एप्पल ट्रक में भर दिए। हमारे लाख मना करने पर भी उन्होंने जबरदस्ती हमें एप्पल दी। हमने वही एप्पल लाकर हमारे बाबूजी को दिए, हमें मारना शुरू कर दिया। तुमने होश से काम नहीं लिया तो तुम्हारे बच्चों को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी। मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, आइंदा ऐसी गलती हो न पाए, इनका ध्यान रखना। बच्चों, तुम्हारी ईमानदारी मुझे भा गई है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ देना ही हो तो हमारे बाबूजी को एक थैला दे दीजिएगा। हर रोज जंगल से लकड़ियाँ तोड़कर ढोकर लाने में उन्हें तकलीफ होती है। बच्चों, तुम में थोड़ा भी स्वार्थ नहीं है। तुम जैसे पक्षी का इस जंगल में रहना बड़े ही गर्व की बात है। मही चील वहाँ से निकलकर और आगे चला गया। उसने देखा एक तालाब में कुहू बतख अपने बच्चों के साथ रहती है। मही चील उनके बारे में भी जानना चाहता था। सुनो ना माँ, जब हम स्कूल जाएंगे तो हमारे लिए एक बैग खरीद कर दो ना माँ, किताबों को ढोकर जाने में तकलीफ होती है। हाँ बच्चों, मैं जानती हूँ, अगली बार जब मैं शहर जाऊंगी तो तुम दोनों के लिए बैग जरूर लेकर आऊंगी। मही चील ने अपनी किताब में कुछ लिखा और वहाँ से अपने घर वापस लौटा। फिर कुछ ही दिनों में क्रिसमस का त्योहार आया। सभी पक्षी ने अपने घर के बाहर क्रिसमस ट्री बनाकर सजा कर रख लिया और सभी ने अपने घोंसले के बाहर तारा भी लटकाया था। मही चील को ये बात बहुत अच्छी लगती थी कि भले ही उनकी जिंदगी में जितनी भी तकलीफें क्यों न हो, पर सभी त्योहार के दिन सब कुछ भूलकर मिलजुल कर साथ में खुशियों से त्योहार मनाते हैं। क्रिसमस के एक दिन पहले ही मही चील सांता क्लॉस के कपड़े पहनकर तैयार हो गया। सबसे पहले वो टूनी चिड़िया के घर गया और उसके बच्चों को जो किताबें चाहिए थी वो उनके घर के सामने रख दिए। फिर वो लूसी कबूतरी के घर गया और उनके माता पिता के लिए नए कपड़े रख दिए। वहाँ से वो चीचू कवा के घर गया और उनके व्यापार करने के लिए एक ठेला रख दिया जिसकी मांग उसके बच्चों ने की थी। फिर वो उस तालाब के पास गया जहाँ बतख का परिवार था और उसके बच्चों के लिए वहाँ पर स्कूल बैग्स रख दिए।
उस दिन सभी पक्षियां जैसे ही अपने घर के बाहर निकली, घर के बाहर रखे उपहारों को देख वो बहुत खुश हो गई। सभी इस सोच में पड़ गए थे कि आखिर उन्हें जो चीज चाहिए थी वही उनके घर के सामने कहां से आई। अगर तुम पूरे मन और श्रद्धा से कुछ मांगोगे तो स्वयं जीसस आकर तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करते हैं। मेरी क्रिसमस। उस बरस जंगल में क्रिसमस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। महीचील ने भी इसमें हिस्सा लिया और वो भी बहुत खुश था। बेचारी सास और सॉफ्टवेयर बहू भाग 9। महीचील लूसी कबूतर और छोटू तोती की शादी के लिए राजी हो गई। बेटा अब तुझे कैसा लग रहा है? छोटू तोती ने जो ऑइंटमेंट लगाया है वो काम कर रहा है। जब तू पूरी तरह से ठीक हो जाएगा ना तो मुझे बता देना। हाँ पर क्यों माँ, पूछ क्या रहा है? मैं तेरी उस छोटू से शादी करा दूंगी। क्या कहा माँ? माँ तुम्हारा बहुत धन्यवाद, मेरी मन की बात को समझकर तुम इस शादी के लिए राजी हो गई। पहली नजर में मुझे शहर की वो तोती कुछ ज्यादा नहीं भाई, पर धीरे धीरे मैं उसे जान रही हूँ। अब उसे लेकर मुझे कोई दो राह नहीं। छोटू सच में बहुत अच्छी है, वो हम दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। मुझे इस बात पर विश्वास हो गया है, तभी तो मैं रिश्ते के लिए मान गई। यूं ही कुछ दिन बीते। माँ माँ, अरे क्या हुआ बेटा, चिल्ला क्यों रहा है? माँ मेरा घाव पूरी तरह से भर गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लूसी अब तुम ठीक से देख पा रहे हो ना? हाँ हाँ मैं ठीक से देख पा रहा हूँ। अच्छा होगा अगर तुम एक बार डॉक्टर को बता ही लो। मुझे इस शहर की लड़की की दी हुई ऑइंटमेंट में कुछ ज्यादा भरोसा नहीं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, वैसे भी मैं ठीक से देख पा रहा हूँ। अरे तुम दोनों बहस करना छोड़ दो। माँ मैंने नहीं, शुरुआत इसी ने की है। बेटा तूने तो चुप क्यों नहीं रहती, अब बात को मत बढ़ा। हाँ ठीक है आंटी, आप कहती हो तो मैं चुप रह जाती हूँ। मैं तुम सबसे कुछ खास बात कहना चाहती हूँ। कौन सी बात आंटी जी? तोती मुझे बहुत पसंद आ गई है, मेरे बेटे के लिए इसका ही सही जोड़ा होगा, इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं लूसी और छोटू की शादी कराने वाली हूँ। अरे अरे आंटी जी आप एक बार और सोच लीजिए। अरे बेटा इसमें सोचने के लिए कुछ नहीं है, मैंने तो बहुत पहले ही सोच लिया है, पंडित जी से मैंने मुहूर्त भी निकलवाया। आंटी जी आपका बहुत धन्यवाद, मुझ जैसी एक अनाथ को ऑफिस में लूसी मिला और लूसी की वजह से ही मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है, आज सच में मैं बहुत खुश हूँ। यह छोटू तोती भावुक होकर अपनी खुशी जता रही थी। टूनी चिड़िया तभी घर से बाहर निकली और मन ही मन सोच रही थी, ये क्या हो गया, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। मैंने उस शहर की छुईमी को भगाने की कितनी कोशिश की पर मेरे सारे तीर निशाने से चूक गए। अरे मैं हार नहीं मान सकती, मुझे कुछ ऐसा बड़ा करना होगा जिससे वो शहर की छुईमी अपमानित होकर गांव छोड़कर चली जाए। टूनी चिड़िया शादी रोकने के साजिशें सोचने लगी। लूसी बेटा लूसी, हमें गहने खरीदने हैं। गहने क्यों माँ? कैसा सवाल है बेटा, होने वाली दुल्हन के लिए गहने और मंगलसूत्र खरीदना होगा ना। ओ अच्छा, हाँ बेटा ठीक है माँ चलो। फिर लूसी कबूतर और महीचील सोने चांदी के दुकान में गए। ये इस शहर की बहुत बढ़िया दुकान है, यहाँ सब मिलता है, तो चलो बेटा सारे गहने हम यहीं से खरीदते हैं। सुनिए हमें दुल्हन के लिए गहने और मंगलसूत्र बताइए। जी हाँ जरूर। दुकानदार चील ने उन्हें अच्छे अच्छे गहने बताए। लूसी कबूतर और मही चील ने मिलकर बहुत सारे गहने खरीदे। आपकी दुकान में मुझे गहने बहुत पसंद आए, अब मेरे घर में जो भी शुभ कार्य होगा ना मैं आपकी दुकान से ही गहने खरीदूंगी। हमें जरा मंगलसूत्र भी बताइएगा। ये देखिए ये एकदम नया आया है। अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ अब इन सब का बिल बताकर दे दीजिए। हाँ बस अभी बनाता हूँ। इस तरह लूसी कबूतर और मही चिल ने शादी में लगने वाले सारे गहने खरीदे, फिर कपड़ों की दुकान पर जाकर कपड़े भी खरीद लिए। देखते देखते शादी का दिन आ ही गया। आंटी जी आपने मुझे क्यों बुलाया है? देखो तो मैं तुम्हारे लिए गहने ले आई। आंटी जी आपका बहुत धन्यवाद। बेटा तुम जल्दी जाकर तैयार हो जाओ, मैं तब तक लूसी कबूतर को तैयार होने के लिए कहकर आती हूँ। घर में तो खुशियों का माहौल है, सब बहुत खुश है।
अब थोड़ी देर में घर में मेहमानों की चहल पहल शुरू हो जाएगी। मैं मौके का फायदा उठाकर उस मंगलसूत्र को ही गायब कर दूंगी। देखती हूँ शादी कैसे होती है। अरे तूने क्या हुआ, तू अपने आप में ही क्या बड़बड़ा रही है? अरे आंटी जी कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि खाने में क्या बनाऊं। बेटा खाना तो महाराज बना लेंगे, तुम जाकर तैयार हो जाओ। हाँ आंटी जी, मैं आपके कमरे में जाकर तैयार हो जाती हूँ। टूनी चिड़िया मही चिल के कमरे में तैयार होने के लिए गई। मंगलसूत्र तो यही पड़ा है, अब देखो मैं इसे कैसे गायब करती हूँ। टूनी चिड़िया ने मंगलसूत्र को कहीं छुपा दिया। तभी उन दोनों की शादी करवाने के लिए चीचू पंडित घर पर आए। बहन जी नमस्कार। अरे पंडित जी नमस्कार, आइए। तैयारियां तो जोरों शोरों से हुई है, तो क्या विधि की शुरुआत कर दूं? जी जरूर पंडित जी। आप दुल्हे को बुलाइए। हाँ हाँ बस अभी ले आती हूँ। दूल्हा कबूतर पाटे पर बैठ गया। बहन जी जल्दी से मंगलसूत्र लाइए, पूजा करनी है। पंडित जी अभी लाती हूँ। मही चील अपने कमरे में मंगलसूत्र लाने के लिए गई। यहाँ पर मंगलसूत्र रखा था मैंने, कहाँ गया? क्या हुआ आंटी जी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? बेटा मंगलसूत्र कहीं दिखाई नहीं दे रहा। क्या कहा, सच? मुहूर्त बीतता जा रहा था और मंगलसूत्र कहीं नजर नहीं आ रहा था। इस बात से सभी हैरान थे, आखिर टूनी चिड़िया ने मंगलसूत्र कहाँ छुपा कर रखा होगा। तो क्या मंगलसूत्र मिला? क्या किसी को पता चला कि ये टूनी ने ही किया है? अगर इन सारे सवालों का जवाब चाहिए तो अगले भाग का इंतजार तो करना पड़ेगा।